तो रेफरेंस अगर जो आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो कई बार आप सोचते होंगे कि हम अपने वीडियो का थंबनेल एकदम बिल्कुल HD में हम कैसे बनाएंगे। तो लगा से सब बहुत आसान होता है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो दोस्तों इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जितने भी आप बड़े यूट्यूबर होते हैं सभी इसी ऐप का यूज करते हैं अपना थंबनेल एडिट करने के लिए। तो लगा चलिए जान लेते हैं इसमें कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले मतलब इसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, उसके बाद आपको जिस भी कलर पे मतलब चूज करना है तो चूज कर लीजिए। तो मुझे वाइट चूज करना है तो वाइट चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे टाइप करके यहाँ पर आपको इमेज साइज सेलेक्ट कर लेना है। तो ये लगा यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो भी बनाना है यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल पर सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। यहाँ पर ओके करने के बाद दोस्तों तो मैं तो इस मतलब इसमें यह थंबनेल बनाने वाला हूँ कि आप मतलब कैसे अपना थंबनेल HD में बना सकते हैं। चलिएगा मैं यह बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपका भी जो भी टॉपिक टॉपिक इस पे मतलब लिख दीजिए। तो लिखेंगे आप कैसे, तो यहाँ पर ए वाले आइकन पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको जो भी फ़ोटो ऐड करना है पहले फ़ोटो ऐड कर लीजिए। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी से यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एक फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप चाहते हो कि इसे क्रॉप करके छोटा बनाना, तो यूजलेगा से आप कर सकते हो बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कर लूँ। यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको राइट वाले ऑप्शन पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका मतलब थंबनेल एकदम बन के मतलब फोटो एकदम बन के रेडी हो गया। और यहाँ पर रेडी होने के बाद आप मतलब जो भी टाइटल इसका देना चाहते हो तो ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको टेक्स्ट डालना है। तो ये लगा मैं यहाँ पर डालूँगा, यहाँ पर मान लीजिए मैं डालूँगा हाउ टू मैक। यहाँ पर इतना सब लिखने के बाद यहाँ पर मतलब आपको देखना है कि क्या कितना हो जाएगा एक लाइन में वर्ड। तो यहाँ पर मान लीजिए करने के बाद इतना सब करने के बाद आपको कलर चेंज करना होता है, तो यहाँ पर स्वाइप करते हुए जाइए कलर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके जो भी आपको कलर चूज करना है चूज करके आपको अक्षर को मतलब थोड़ा सा मोटा करना, तो यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन में आके मोटा कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड आपको चूज करना, तो यहाँ पर चूज कर लीजिएगा बैकग्राउंड दोस्तों आसानी से। उसके बाद यहाँ पर आप आसानी से ये टेक्स्ट को हाई लेवल पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जाकर फिर से आप आसानी से अच्छा कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एकदम हमारा HD में बन गया हाउ टू मैक। उसके बाद दोस्तों आपको मतलब मुझे लगाना है कि पिक्सल लैब का फ़ोटो, तो दोबारा मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके गैलरी वाला ऑप्शन में जाके पिक्सल लैब का फ़ोटो मतलब यहाँ पर लाऊंगा। यहाँ पर मान लीजिए फ़ोटो चूज़ करने के बाद फिर से राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर हमें क्रॉप करके छोटा कर लेना है। तो इसलिए मैं कर लूँ। यहाँ पर करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर से राइट वाला ऑप्शन पे टाइप कर दें। टाइप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इस आइकन मतलब फ़ोटो को भी बैकग्राउंड देना है, तो आपको यूजली फिर से यहाँ पर आ जाना है स्टोर स्ट्रोक पर। उसके बाद आपको जो भी सेलेक्ट करना है कलर कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पर फिर से इसे लगा दूंगा सही से। यहाँ पर लगाने के बाद यूजली गाइस यहाँ से आपको फिर से टेक्स्ट दे देना है। तो फिर से ए वाले आइकन पे क्लिक करके आगे देखिए हाउ टू मेक HD थंबनेल। तो यहाँ पर मैं डालू HD थंबनेल, सॉरी HD यूट्यूब वीडियो थंबनेल। यहाँ पर यूट्यूब डालने के बाद फिर से यहाँ पर आ जाना है HD यूट्यूब। यहाँ पर फिर से आपको वही करना है दोस्तों, कलर वाले ऑप्शन में जाके कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रंट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दोबारा वही कर लेना है। उसके बाद करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा हो गया एकदम ठीक।
इतना सब करने के बाद आपको फिर से मतलब अगला टेक्स्ट डालना होगा प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यूट्यूब वीडियो थंबनेल। उसके बाद लास्ट काम यहाँ पर आपको करने के बाद आपको जो भी एरो देना है तो दे सकते हो आप, या यहाँ पर इमोजी मतलब डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इतना सब करने के बाद आपको फिर से ओके वाले आइकन पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इससे भी थोड़ा सा कलर चेंज कर देना है, उसके बाद मोटा कर देना है। सॉरी, यहाँ पर आप कलर भी आसानी से चेंज कर सकती हो। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको कलर देना है कलर वाला ऑप्शन में जाके आसानी से इसे दे सकते हो। देने के बाद यहाँ पर आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ करना नहीं, इसे सेव करना। तो यहाँ पर आपको इस शेयर वाले आइकन पे टाइप करके यहाँ पर सेव टू गैलरी में टाइप कर देना है। इस पर टाइप करने के बाद आपको, जैसा कि मैं आपको बैक करके दिखा दूँ, यहाँ पर मैं अपने फाइल मैनेजर में जा, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों एकदम HD थंबनेल बना है आपके सामने है। Subscribe to my channel and choose all bell icon.